प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित अष्टांग योग के हर आयामों को संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया है। मित्रों, आज की वीडियो में हम महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है यम अर्थात संयम और उसके प्रकार जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन सभी को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। यम अर्थात संयम। यम ऊपर में धातु से उत्पन्न यम शब्द का अर्थ होता है निवृत्त होना। इस तरह यम निवृत्ति मूलक है। यम के अनुष्ठान से मन और इंद्रियां अशुभ से हटकर शुभ में संलग्न हो जाती है। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित निवृत्ति मूलक यम पांच हैं: एक सत्य, दो अहिंसा, तीन अस्तेय, चार ब्रह्मचर्य तथा पांच अपरिग्रह। तो आइए मित्रों, इन पांच यमों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। एक सत्य। मन तथा वाणी में शुद्ध भाव का होना सत्य है। किसी के जीवन की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना भी सत्य ही है। मान वचन एवं कर्म से सत्य का पालन और झूठ का त्याग ही सत्य है। वस्तुतः यथार्थ चिंतन कथन एवं कर्म में सत्य का अनुष्ठान आवश्यक है। जिस रूप में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया गया हो या जैसा उसे तर्क या अनुमान से जाना गया है अथवा अधिकारियों से ज्ञात हुआ हो उसी रूप में उस वस्तु के ज्ञान को धारण करना तथा दूसरों को उसी रूप में बतलाना सत्य है। दूसरों के लिए उपकार परम और यथार्थ ज्ञानोत्पादक ज्ञान ही सत्य है। यहाँ केवल मिथ्या वचन के परित्याग की बात नहीं मानी गई है बल्कि अप्रिय वचनों का परहेज भी सत्य ही है। दो अहिंसा। मान वचन तथा कर्म से हिंसा करना, किसी दूसरे व्यक्ति से हिंसा करवाना, हिंसा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाना, यह सब हिंसा है और इनसे बचना अहिंसा है। योग साधकों के लिए हिंसा करना सर्वथा परित्याज्य है। मन वचन और कर्म से किसी प्राणी के प्रति हिंसा न करना अहिंसा है। इस तरह समस्त प्राणियों के प्रति सभी प्रकार की द्रोह त्याग को अहिंसा माना जाता है। इस तरह अहिंसा को संकुचित अर्थ में न केवल किसी के वध से संबद्ध नहीं माना गया है बल्कि इसका व्यापक प्रयोग करते हुए इसे रखा गया है। भावात्मक रूप में इसे समस्त प्राणी से प्रेम के रूप में भी दिया जाता है। पतंजलि मानते हैं कि जो साधक अहिंसा प्रतिष्ठ होते हैं उसका समस्त प्राणियों में स्वाभाविक वैर त्याग हो जाता है। तीन अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। मान वचन एवं कर्म से किसी वस्तु का हनन न करना, उसके अधिकार एवं प्राप्त वस्तु से उसके अधिकारियों को वंचित न करना ही अस्तेय है। सीधे शब्दों में कहा यह जाता है दूसरे के स्वामित्व का अपहरण करना स्तेय है और इसका अभाव अस्तेय है। चार ब्रह्मचर्य। अपनी इंद्रियों को व मन को विषय वासना और राग द्वेष से हटाकर परमात्मा में लगाना ही ब्रह्मचर्य है। मान वचन एवं कर्म में यौन संयम अथवा मैथुन का सर्वथा त्याग ब्रह्मचर्य है। इसलिए कहा यह जाता है कि साधक को न तो काम करने वाली वस्तु का सेवन करना चाहिए और न ऐसे दृश्यों से गुजरना चाहिए, न उनसे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। पतंजलि स्पष्ट मानते हैं कि ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर लाभ होता है। वीर का तात्पर्य केवल यहाँ शारीरिक ऊर्जा के रूप में लेना सही नहीं होगा, वस्तुतः इसे समग्र अस्तित्वगत ऊर्जा संरक्षण के रूप में लिया जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका संबंध इम्यूनो सिस्टम को संरक्षित एवं संवर्धित करने के रूप में लिया जा सकता है। पांच अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक मात्रा में सामग्री इकट्ठी न करना, अपने स्वार्थ के लिए धन संपत्ति एवं भोग सामग्री में संयम न करना परिग्रह है और इसका अभाव अपरिग्रह है। माना यह जाता है कि प्राण धारण करने के लिए आवश्यकता से अधिक का अस्वीकार करना या त्याग करना अपरिग्रह है। पतंजलि उपरोक्त व्रतों को सार्वभौम महाव्रत मानते हैं जिनका पालन किसी विशिष्ट व्यक्ति जाति ध्यान काल अथवा परिस्थितियों में अनुष्ठेय नहीं है बल्कि जिसका अनुपालन प्रत्येक जाति प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काल एवं प्रत्येक परिस्थितियों में अनुष्ठेय है। इसलिए इसे पतंजलि ने सार्वभौम महाव्रत की संज्ञा दी है। मित्रों, इस तरह से हमने महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा वर्णित अष्टांग योग के प्रथम आयाम यम अर्थात संयम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में हम द्वितीय आयाम नियम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।